हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में हम लोग टीडीएस की बात कर रहे थे, तो टीडीएस हम आज बात करेंगे सैलरी के ऊपर। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी के ऊपर कैसे टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस को काटने के लिए सबसे पहले तो टीडीएस को इनेबल करना होता है, उसके लिए आपको कीबोर्ड से ये गेटवे ऑफ टैली है जो कि आपको दिखाई दे ही रहा है, लगभग हर वीडियो में बताता हूँ। तो ये आपकी है गेटवे ऑफ टैली जो कि टैली की मेन मेन्यू है। अब यहाँ से आपको F11 की प्रेस करनी है, हमारी कंपनी का नाम है एशियन कंपनी, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको ये देखिए ये GST तो चालू है ऑलरेडी, यहाँ पे TDS भी चालू करना है। तो यहाँ से TDS को यस कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना होता है, वो 10 नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। फिर यहाँ पर आपका 10 डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यहाँ पर एक डाला जाता है, तो उसको डाल दीजिएगा यहाँ पर और डाल करके एंटर करिएगा। और एंटर करके यहाँ पर इंडिविजुअल है, कंपनी है, क्या है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर ब्रांच डिवीजन का नाम आता है वो आपको देना होता है, और फिर यहाँ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक अजय सिंह, ये नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का समझिए, और फादर ऑफ और जो भी कुछ है यहाँ पर इनका पैन आईडी जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका पैन आईडी है वो ज़रूर डाल दीजिएगा और यहाँ पर एंटर करिएगा। एंटर करते हुए तमाम डिटेल्स भरते हुए एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है, और कंट्रोल ए प्रेस करके ये पूरा ही एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये अभी TDS चालू कर दिया है हमने। अब TDS डिडक्ट कैसे होगा, तो सैलरी पर TDS डिडक्ट करना है। अच्छा ये बताइए सैलरी क्या है, इनकम है, तो इसकी एंट्री हम कहाँ पास करेंगे। देखिए ये परचेज सेल्स ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे कहाँ, जनरल वाउचर में। ध्यान दीजिएगा जनरल वाउचर में चलेंगे, तो ये F7 प्रेस करके आपको सीधा आ जाना है कहाँ, जनरल वाउचर में, ठीक है। अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा डेबिट दिखाई दे रहा है, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आएगा आपके क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो सबसे पहले तो क्रेडिटर पार्टी बनानी होगी, आपके पास अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक क्रेडिटर पार्टी बनाता हूं, नाम लिखता हूं जावेद, जावेद लिख दिया नाम, और यह हमारी क्रेडिटर पार्टी है और एंटर करेंगे। एंटर करेंगे यहां ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप कर लिया हमने, सारे ऑप्शन छोड़कर के यहां पर आइए TDS पर, तो इसको यस रखना है आपको। और यहां पर क्या है, ये है पार्टनरशिप फॉर्म है या क्या है, इसका डिडक्टिव टाइप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर कंपनी रेजिडेंस कर देते हैं और यहां पर आएंगे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पर पैन आईडी डालना जरूरी है, तो यहां पर इनकी जो पैन आईडी है ये हो गया पैन आईडी, यहां पर ध्यान दीजिएगा पैन आईडी सही डालना है आपको, ये हो गया पैन आईडी, ये पैन आईडी हो गई। यहां पर इसको यस रखेंगे और यहां पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये तो एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब जावेद जो क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, यहां पर तो इसका लेजर आ गया है, लेकिन अभी हम बात करेंगे ये काम क्या करते हैं और कितना इनका इनकम हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो अल्ट सी करते हैं, एक और हम बनाएंगे लेजर, किसका बनाएंगे, जैसे हम यहां पर बना लेते हैं सैलरी का, क्या बनाएंगे, सैलरी, तो लिखा SALARY सैलरी, ठीक है। अब ये सैलरी का लेजर, अब सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट इनकम है, दोनों हो सकता है। तो इनडायरेक्ट अगर इनकम होगा, इनकम करते हैं इसमें, ठीक है, यहां पर डिस्काउंट को ऐसे ही छोड़ देंगे और यहां पर GST की डिटेल को तो टच ही नहीं करना है, छोड़ देना इसे। यहां पर TDS एप्लीकेबल रहेगा, ये TDS एप्लीकेबल हो गया। अब यहां पर देखिए एक नेचर ऑफ पेमेंट हमें बनाना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर बना लेता हूं सैलरी, TDS ऑन सैलरी, यहां पर क्या लिखेंगे, TDS ऑन सैलरी, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है TDS ऑन सैलरी। और यहां पर सेक्शन क्या आएगा, सेक्शन का बहुत दिक्कत होता है, तो सेक्शंस तो आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। यहां पर सेक्शन हम 192 रख लेते हैं और एंटर कर देते हैं। यहां पर देखिए पेमेंट कोड आता है, तो जो आपका पेमेंट कोड होगा उसको भर दीजिएगा, और यहां पर रिमिटेंस कोड आता है, बाकी पैन कार्ड है। तो देखिए 20% जो है, अगर आप की बात करें सैलरी पर, तो 5 लाख से 2.5 लाख से ऊपर जो भी सैलरी आती है उसमें 20% या 10% ऐसा कुछ सैलरी में से TDS डिडक्ट होता है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख तो बहुत कम डिडक्ट होता है और उसमें भी आप रिटर्न ले ही लेते हैं, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उसपे काफी बड़ी मात्रा में TDS डिडक्ट होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कर दिया हमने, और यहां पर क्या करता हूं, थ्रेशहोल्ड लिमिट कर देता हूं, कितना लिमिट करूंगा, तो यहां पे कर देता हूं 2.5 लाख, कितना 2.5 लाख,
ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, ठीक है। यहां पर बैंक डिटेल छोड़ देता हूं, आगे बढ़ता हूं। और यहां पर सैलरी इनको कितनी मिली, तो ये पूरे साल भर में इनको जो सैलरी मिली है वो मिली है 6 लाख रुपए। कितनी मिली है? 6 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा, 6 लाख रुपए यहां पर डाल दिया हमने, एंटर किया। अब यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, जैसे कि हमने बताया जावेद नाम से हमने अभी बनाया था, तो उसको लगा दिया इसमें, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, देख सकते हैं 6 लाख पर जो कट के आया हुआ है, सैलरी इतनी इनको कितनी मिली है और इनका कितना जो है ये हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 1,20,000 इनका कट गया टीडीएस। अब यहाँ टीडीएस का लेजर बनेगा, टीडीएस यहाँ पे किया, ठीक है, एंटर करेंगे और टीडीएस जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। क्या होगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस रख लीजिएगा, और ये ना तो जीएसटी है ना तो अदर में जाएगा, तो ये टीडीएस में जाएगा। और यहाँ पे मैंने बना ही रखा है टीडीएस ऑन सैलरी, देख सकते हैं ना, यहाँ पे टीडीएस ऑन सैलरी मैंने बना रखा है, बस इसी को आपको ले लेना है। ये ले लिया और यहाँ पे एंटर करिए, एंटर करिए, काम हो गया है। देखिए ये दिखा रहा है कि कुल मिला के 1,20,000 रुपए आपका 6 लाख पे टीडीएस कट गया है, ठीक है। अब आप रिटर्न भरिएगा तो मिले उलेगा बाद में, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें बहुत व्यवस्थित रूप में आपको दिख रही है। तो ये जर्नल वाउचर में कैसे टीडीएस की एंट्री पास करेंगे और कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा, ये एक तरीका मैंने बताया, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे टीडीएस डिडक्टेड, डिडक्टेड, ठीक है, फ्रॉम सैलरी, SALARY, ये हो गया। और यहां पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये तो काम हो गया। अब इसका हमें प्रिंट आउट लेना है, तो यहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, ये आपकी गेटवे ऑफ टैली है, ये तो आपको पता ही है। और यहां से जाएंगे कहां, ये देखिए, ये जो दिया है ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, तो यहां से डी प्रेस करेंगे और एक बार और डी प्रेस करेंगे, क्योंकि डे बुक में जाना, ये आ गए। अब नीचे आएंगे, देखिए कौन सा है, जनरल है ये, तो यहां से अल्ट के साथ पी करिए, एंटर करिए और आई बटन प्रेस कीजिए। देखिए ये आपका जो है वाउचर जो है वो निकल के आ जाएगा कि किस किस तरीके से सैलरी पर टीडीएस जो है डिडक्ट हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे डिडक्ट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सैलरी अधिक हो तब क्या होगा। जैसे ये तो सिर्फ 6 लाख हुआ, यहां पर सैलरी कुछ और होती, जैसे एक बार फिर से आते हैं कहां से, वापस जनरल वाउचर में आ जाते हैं और फिर इस बार बात कर लेते हैं कब, यहां पे आते हैं नीचे, ये देखिए यहां पे डेबिट आ रहा है। तो इस बार भी सैलरी की बात करते हैं, लेकिन इस बार सैलरी कम रखेंगे, ठीक है। सैलरी क्या रखेंगे? कम रखेंगे। तो ये देखिए कम रख दिया सैलरी, यहां पे सैलरी रखते हैं हम, सपोज कीजिए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए यहां पे रख रहा हूं। थ्रेशोल्ड लिमिट याद है क्या दिया था, ठीक है, उसी के हिसाब से सब चलेगा। तो ये 3 लाख रखा। अब यहां पर देखिए टीडीएस यहां पर कट रहा है, टीडीएस नहीं कटेगा यहां पे, अब क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा। तो जैसे मान लीजिए क्रेडिटर पार्टी इस बार अलग है, यहां पे अल्ट सी कर देते हैं और यहां पे सचिन कर देते हैं, सचिन नाम दे देते हैं और ये हमारी क्रेडिटर पार्टी, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है, ये क्रेडिटर हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इसमें रखते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, यहां पर हम इनका पैन आईडी देंगे, तो यहां पे पैन आईडी डालता हूं, यहां पे ये कर दिया पैन आईडी, एक मिनट, पैन आईडी सही डालनी होगी, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से यस कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो यहां पर देख सकते हैं मात्र 60,000 रुपए इनका कटा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा पे तो कटेगा ही कटेगा, ये तो पता ही है। और यहाँ पे 60,000 रुपए कट के भी आ गया, देख लीजिए, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये तरीका है सैलरी पर टीडीएस काटने का, सेक्शन होगा 192, हमेशा ये बात याद रखिएगा, ठीक है।